दोस्तों फाइनली गूगल ने एंड्रॉयड 13 के ऑफिशियल वर्जन को यानी कि पूरे कंप्लीट वर्जन को रोल आउट कर दिया है। और सबसे पहले किन किन स्मार्टफोन से मिला है, किन किन डिवाइसेज में मिला है और किन डिवाइसेज में मिलने वाला है, फिर कब तक मिलेगा, और आपके पास जिस कंपनी के स्मार्टफोन है क्या उसमें अपडेट मिलेगा, और मिलेगा तो कब मिलेगा, बात करेंगे आज इसी सब टॉपिक्स के बारे में। और कुछ ऐसे बेस्ट फीचर्स हैं जिसके बारे में बात करने वाले हैं किस वीडियो के बारे में, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक पूरी देखिएगा। गाइस गूगल ने एंड्रॉयड 13 की जो अनाउंसमेंट की थी वो मई में की थी और फाइनली अगस्त में अब इसको रोल आउट कर दिया गया। सबसे पहले जो मिला है वो पिक्सल डिवाइसेस को मिला है। अब ये कौन कौन से पिक्सल डिवाइसेस को मिला है उन सब की लिस्ट आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही है। तो इन सभी पिक्सल डिवाइसेस को मिला है गूगल के एंड्रॉयड 13 का अपडेट, यानी कि अगर आपके इनमें से कोई भी पिक्सल का डिवाइस है तो आपको जाना है अपने मोबाइल फोन की सेटिंग में और फिर फोन अपडेट में जाकर उसको चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पर अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो कुछ दिन अपडेट कीजिए, आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिल जाएगा। अब आते हैं बाकी कंपनीज के स्मार्टफोन जैसे कि सैमसंग, ओप्पो, वीवो, शाओमी, आईक्यू और रियलमी और बाकी जो स्मार्टफोन कंपनीज हैं उनकी बात आती है। तो इन जो कंपनीज के डिवाइसेज हैं इनको अपडेट कब मिलेगा, दोस्तों आपको बता दूं कि इन कंपनीज के जो डिवाइसेज हैं उनमें जो ज़्यादा महंगे वाले जो स्मार्टफोन्स होते हैं यानी कि इनके अंदर फ्लैगशिप जो स्मार्टफोन है सबसे पहले अपडेट तो देखिए उनको मिलेगा, है ना, उसके बाद बाकी स्मार्टफोन्स को मिलेगा और उनको भी कब मिलेगा। अभी गूगल ने कहा है कि जिसका रोल आउट है बाकी डिवाइसेज के लिए वो इस साल के एंड तक किया जाएगा या फिर अगले साल किया जाएगा। अगले साल भी अगर होता है तो जनवरी फरवरी में हो जाएगा, नहीं तो हो सकता है इस साल के दिसंबर में आपको अपडेट देखने के लिए मिल जाए एंड्रॉइड 13 का। अगर बात करूँ एंड्रॉइड 13 के फीचर्स के बारे में तो देखिए इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बना सकता हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे अपडेट आने वाले हैं एंड्रॉइड 13 के अंदर। लेकिन आज की वीडियो में आपको सिर्फ एक या दो फीचर्स के बारे में बता दूँ जो कि मुझे काफ़ी कमाल और अच्छे लगे। पहला जो फीचर है कॉपी और पेस्ट वाला, यानी कि अभी आपको पता है कि जो एप्पल है उसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए आपने अपने एप्पल के इस वाले फ़ोन से कुछ चीज़ कॉपी की और आपके अगर एप्पल के दूसरे डिवाइसेस में आपकी वही आईडी लॉगिन है तो आप सिंपली उसमें पेस्ट कर सकते हैं, यानी कॉपी आपने इससे किया, पेस्ट आप कर रहे हो मैकबुक में अपने या फिर आईपैड वगैरह में उसको पेस्ट कर सकते हो, फिर दूसरे अपने एप्पल के फ़ोन में आईफोन में उसको पेस्ट आप कर सकते हो, यहाँ से कॉपी करके उसमें डायरेक्ट पेस्ट हुआ हो जाता है। सेम वाला फीचर एंड्रॉइड 13 के अंदर भी आने वाला जो कि काफ़ी कमाल का, यानी कि आपने एक एंड्रॉइड डिवाइस से कुछ भी कॉपी किया और आपकी जो वही आईडी अगर दूसरे स्मार्टफोन में या फिर दूसरे किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में लॉगिन है तो उसमें आपको डायरेक्टली इसको जाके पेस्ट कर सकते हो। तो एक काफी कमाल का फीचर है जो कि एंड्रॉइड अब तक आता था आईफोन में लेकिन अब एंड्रॉइड में देखने के लिए आपको मिल जाएगा, तो मुझे पर्सनली फीचर काफी पसंद आया। जो नेक्स्ट वाला फीचर आएगा, जो नेक्स्ट अपडेट आएगा एंड्रॉइड 13 के अंदर वो ये है कि अभी आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपको अपने फ़ोन की लैंग्वेज रखनी है इंग्लिश, तो सभी एप्लीकेशंस के लिए सभी सेटिंग्स के लिए जो लैंग्वेज है आपकी वो इंग्लिश ही सिलेक्ट हो जाती है बाय डिफॉल्ट। लेकिन अभी क्या है, अभी जब ये अपडेट आ जाएगा तो आप पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए अलग अलग लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे फेसबुक चलानी है हिंदी में तो उसको हिंदी में कर सकता हूँ, व्हाट्सअप में चलाना है इंग्लिश में तो उसको इंग्लिश में कर सकता हूँ, तो पर्टिकुलर एप्लीकेशन के आप अलग अलग लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे कुछ कमाल के और गजब के फीचर आने वाले हैं एंड्रॉइड 13 के अंदर। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में कि आपके स्मार्टफोन में कौन सा एंड्रॉइड का वर्जन आप अभी यूज़ कर रहे हैं और आपके पास कौन सा एंड्रॉइड स्मार्टफोन है, क्या आपको एंड्रॉइड 13 का अपडेट मिलेगा। तो अगर आपके स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 12 है तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एंड्रॉइड 13 का अपडेट मिल जाएगा, तो मुझे कमेंट करके बताना कि आप एंड्रॉइड का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन में। मेरे पे वीवो का एक स्मार्टफोन है जो कि 2019 में मैंने बाय किया था, उसके अंदर अब तक अपडेट आ रहा है, यानी कि उसका जो एंड्रॉइड वर्जन था वो एंड्रॉइड 9 था जब मैंने उसको बाय किया था, उसके अंदर 10 आया, उसके अंदर 11 आया और उसके अंदर 12 भी आ चुका है। मेरे पास शाओमी का ये है जो स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन है, ये मैंने मतलब जब लिया था इसके अंदर एंड्रॉइड 11 आया था और एंड्रॉइड 12 अब आया इसके अंदर, लेकिन एंड्रॉइड 12 इसमें आने से पहले मेरे वीवो वाले स्मार्टफोन में आ गया जिसके अंदर एंड्रॉइड 9 था। तो अपडेट के मामले में वीवो आई थिंक बेस्ट है Xiaomi से। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कौन सी कंपनी का स्मार्टफोन आप यूज़ कर रहे हो और उसके अंदर कौन सा एंड्रॉइड वर्जन है। बाकी अगर आप एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो इन सभी फीचर्स की जो एंड्रॉइड 13 के अंदर आने वाले हैं कि कौन कौन से फीचर्स आने वाले हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, आप लोगों के लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ जाऊंगा इस टॉपिक पे। तो बस आज की वीडियो से इतना ही, आप लोगों को वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, मिलूंगा आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।